कौन हो तुम? लिखे पढ़े बाबू मालूम होते हो? क्या बात, तबीयत खराब है क्या? नहीं, जरा सा थक गया हूं। चलो मेरे साथ, मुझ गरीब की झोपड़ी में आराम कर लेना। चलो। ये खाली पेट पानी पीना नुकसान करेगा, पहले कुछ खा लो। मगर सूखी रोटी और लहसुन की चटनी है भैया, तुम खा सकोगे? ये तो सब ठीक है, लेकिन आज तक तो अपने बाप की कमाई खा रहे हो। लाखों का कारोबार छोड़कर तुम कलाकार बनना चाहते हो, जरूर बनो, लेकिन मैं तुम्हारी कला की कदर उस वक्त करूंगा जब तुम्हारी कोई तस्वीर या कोई गाना तुम्हें एक वक्त का खाना दे दे। Is it a challenge, Daddy? Yes, son. Yes. Goodbye. Good luck. सॉरी, इसमें एक भी तस्वीर ऐसी नहीं है जो खरीदने के काबिल हो। नॉट बैड, नॉट बैड। आप बहुत बड़े आर्टिस्ट हैं, इसलिए मैंने अपनी तस्वीरें आपको दिखानी चाहिए। बहुत अच्छा किया तुमने, तुम्हारा फ्यूचर बहुत ब्राइट है, सारी दुनिया में तुम्हारा नाम होगा, लेकिन कम से कम 100 साल बाद। जी? आजकल सिर्फ 2 किस्म की पेंटिंग की डिमांड है, एक वो जो रईसों के बेडरूम की शोभा बढ़ा सके, और दूसरी वो जो किसी की समझ में ना आ सके। मतलब? ये आज भी की है, 5,000 रुपए में, 5,000 रुपीज। ये क्या है? मैंने बनाई है, लेकिन मुझे खुद को नहीं मालूम क्या है, इसीलिए मैंने इसका नाम रखा है द मिस्ट्री। वेरी गुड, गॉड ब्लेस यू। कितनी खूबसूरत है जी? तुम्हारी उंगलियां। ओ, सूरत से भी आर्टिस्ट लगते हो। काश अगर आपने मेरी तस्वीरों की तारीफ की होती तो मुझे बेहद खुशी होती। तारीफ हमेशा बनाने वाले की करनी चाहिए। बाकी रहे तुम्हारी पेंटिंग, मैं अभी अभी एग्जीबिशन देखकर आई हूँ, लेकिन इनके मुकाबले की एक भी पेंटिंग नहीं। सच कह रही हैं आप? हाँ, आपके बारे में मुझे थोड़ी बहुत जानकारी है। तकरीबन 500 पेंटिंग्स का कलेक्शन है मेरे पैलेस में। आपके पैलेस में? ओह, तुम तो मुझे जानते नहीं, मैं कामनी हूँ, रामगढ़ की राजकुमारी। तुम जैसे रियल आर्टिस्ट से मिलकर मुझे बहुत खुशी हुई। थैंक यू। दरअसल खुशी तो मुझे होनी चाहिए कि आप जैसे कदरदान मिला है जो सचमुच मेरे आर्ट को समझता है। सच पूछो तो रियली स्पीकिंग आज तक मेरी एक भी तस्वीर नहीं बिकी। वो तो तुम्हें देखते ही समझ गए। तुम्हारा नाम क्या है? प्रकाश। लवली। नाम प्रकाश और खुद अंधेरे में छुपे हुए हो। मैं चाहूं तो तुम्हें उजाले में ला सकती हूँ। आप? हाँ, आजकल की दुनिया में कामयाब होने के लिए क्या चाहिए जानते हो? क्या? सेल्समैनशिप, स्मार्टनेस, बड़े बड़े लोगों से जान पहचान, जिनके पास दौलत है, जिन्हें सिर्फ पेंटिंग्स खरीदने का शौक है मगर समझने का नहीं। तुम मेरे साथ आओ। कहाँ? ये मत पूछो, बस तुम अपने आप को मेरे हवाले कर दो। अच्छा? अब हुई ना बात, अब लगते हो मॉडर्न आर्टिस्ट। पार्टी में अभी देर है, इसलिए मैं चाहती हूँ कि जाने से पहले तुम्हारे साथ एक राउंड हो जाए। पार्टी? हाँ, आज मैं तुम्हें उन दौलत वालों के सामने पेश करूंगी जो तुम्हारी तस्वीरों पर रुपयों के बौछार करेंगे। पीता नहीं। मेरे खातिर? कोई बात नहीं, मैं मजबूर भी नहीं करूंगी,
क्योंकि तुम आर्टिस्ट हो और मैं जानती हूँ आर्टिस्ट हर काम अपने मूड से करता है और मैं उस मूड का इंतजार करूंगी। चेस। हाँ फॉक्स। इनसे मिलिए, यह है नीता। इनमें बहुत सी खूबियां हैं लेकिन इनकी सबसे बड़ी खूबी ये है कि ये आपकी बड़ी कदरदान है। यह है प्रकाश, आर्टिस्ट, बहुत खूबसूरत पेंटिंग करता है, खुद भी तो कुछ कम नहीं। हेलो। हेलो। कामनी के काम से फ्री होते ही आपको एक मेरा पोर्ट्रेट बनाना होगा। नीता, फिलहाल मेरा इनसे कोई काम नहीं क्योंकि कल सुबह के प्लेन से मैं रामगढ़ जा रही हूँ। ओह, तब तक तो मैं इनके आर्ट का पूरा फायदा उठा लूंगी। इसलिए आज मैंने पार्टी दी है इन सब लोगों से इंट्रोड्यूस कराने। ये तो इनकी जरा नवाजी है, वरना ना तो मैं बड़ा आर्टिस्ट हूँ ना मशहूर। राजकुमारी कामनी की चॉइस कभी गलत नहीं होती, इन्होंने आपका इंट्रोडक्शन कराया यही काफी। अरे नीता, इनको सब लोगों से इंट्रोड्यूस करा दो ना। ओह श्योर श्योर, कम ऑन, गो मैन गो। ये है मिस्टर मोहन। हेलो। हेलो। ये है रीता और उनके। हेलो। Who is he? He is a playboy. Yeah. See, he is a sexy playboy. Mere jeevan saathi. Yeah. He is a sexy playboy. Yeah. मेरे जीवन साथी है। Yeah, he likes money and girls too. बना झुका कई सूरत मैंने डाल दी कई मूरत किसी से भी सूरत तुम्हारी नहीं मिल पाती या ओ हा हे हे हा लवली इज़न्ट इट ब्यूटीफुल ही लाइक्स टू प्ले विद गर्ल्स ऑलवेज मनी ही इज अ प्ले बॉय या ही गॉट अ सक्सेस टू तुम्हारी नहीं मिल पाती He's a sexy, sexy man Lovely Hey, it's me, baby Yeah He loves to play With money, and he is a playboy. I can see him. Yeah, he is a playboy. Ah, so warm. नमस्ते कथा जी। अरे आओ, अभी अभी ज्योति का संग काल आया है।
जानते हो फर्स्ट क्लास बस आई है, मुबारक हो, इसी फ्राइडे को आ रही है। रियली? फिर तो लाला जी एक शानदार होम कमिंग पार्टी हो जानी चाहिए। हाँ जरूर, क्यों नहीं क्यों नहीं। अरे कमल, तुम तो ज्योति की खास सहेली हो, पार्टी के इंतजाम की सारी जिम्मेदारी तुम्हारी है। जी अंकल। आप फिक्र मत कीजिए, लीव इट टू अस। कमल जी यहाँ से सीधे क्लब चलेंगे, वहीं चल के डिसाइड करेंगे पार्टी के बारे में। टुडे आई एम वेरी हैप्पी। लेकिन देखो कुछ जबरदस्त हंगामे वाली पार्टी होनी चाहिए। आज आज मैं बहुत खुश हूँ, मैं भी अपने सारे दोस्तों को बुलाऊंगा। पार्टी ऐसी हो कि लोग याद करें। हाँ लोग याद करें। आहिस्ता, मैंने 50 दफे कहा है लाला जी कि एक्साइटमेंट तुम्हारे हार्ट के लिए अच्छा नहीं है। डॉक्टर, आज डरा कर तुम मेरी खुशी को नहीं दबा सकते। फ्राइडे को ज्योति आ रही है। सच? कितने बजे की फ्लाइट है? दोपहर की फ्लाइट। वेरी गुड, फाइन फाइन। अच्छा अंकल, अब हम चले। राजन, पार्टी शानदार होनी चाहिए। आप चिंता मत करिए, आप देखिए मैं क्या करता हूँ। लाला जी, मैं डॉक्टर सिद्दीकी से आज ही मिल लेता हूँ। ज्योति के बारे में मैंने उनसे बात की थी। डॉक्टर सिद्दीकी वो आई स्पेशलिस्ट? हाँ, इस वक्त तो हिंदुस्तान के सबसे बड़े आंखों के डॉक्टर हैं। मैं चाहता हूँ ज्योति आते ही उनके साथ काम करने लगे। भाई डॉक्टर की बातें डॉक्टर लोग जाने, लेकिन फ्राइडे शाम का खाना तुम यहीं खा रहे हो। देखो जरा अच्छा सूट उट पहन के आना, टाई वाई लगा के। बहुत से लोग यहाँ आ रहे हैं। जो आएंगे वो मुझे सब जानते हैं, और वो ये भी जानते हैं कि मैं सेठ लाला श्यामलाल वर्मा का तब से दोस्त हूँ जब उनका निकर घुटनों से नीचे खिसक जाएगा। अफसोस की बात है, इतनी देर में पार्टी का एक नया आइडिया तक नहीं मिला। थोड़ी देर ठहर जाओ, अभी आता ही होगा पार्टी का एक्सपर्ट। कौन? पक्का, सिंगर, पेंटर, हैंडसम एंड व्हाट नॉट। वो शोधा लफंगा, भले घर की पार्टी में उसका क्या काम। ऐसा लगता है मिस्टर राजन प्रकाश से जलते हैं। जलना ही चाहिए, ये बेचारे जिसे भी अपनी गर्लफ्रेंड बनाना चाहते हैं वो प्रकाश को अपना बॉयफ्रेंड बना लेती है। Will you keep your टेढ़ा माउथ shut? लेकिन वो आज अभी तक आया क्यों नहीं? भाई या तो वो अपने स्टूडियो में बैठकर किसी लड़की का स्केच बना रहा होगा, और या फिर अपनी स्पोर्ट्स कार में बैठकर हवा से बातें कर रहा होगा। Excuse me, आपका रुमाल। जी। जेब में रख लीजिए, मेरा रुमाल मेरे पर्स में है। जी। Oh beautiful। जी। I mean your purse, it's really beautiful। आप इस क्लब की नई मेंबर हैं? जी हाँ। आपको कोई एतराज है? जी नहीं नहीं, मुझे कोई एतराज नहीं है। दरअसल पहली बार आपको देखा इसलिए पूछा। Believe me। मेरे जैसी लड़की आपने आज तक नहीं देखी, क्यों? है ना? Oh I see। तो आप मेरी तारीफ सुन चुकी हैं? जी, काफी सुन चुकी हूँ मिस्टर प्रकाश। मैं किससे बात कर रहा हूँ? आप रीटा से। जितनी आप खूबसूरत हैं उस तो ज्यादा खूबसूरत आपका नाम है। थैंक यू, बाय बाय। हाय फॉक्स। हेलो फॉक्स, हाउ आर यू? फर्स्ट टाइम। काम की बात करो यार, ये बताओ पार्टी वार्टी का क्या हुआ? पार्टी? ओ पार्टी, हाँ। लड़की का नाम क्या? ज्योति। ज्योति खूबसूरत है। तुमसे मतलब? अगर मुझसे मतलब नहीं है तो तुमसे मतलब नहीं। ये लो। ये किस लिए? तुम्हारा मुंह बंद रखने के। ओ यू। हाँ तो कमल जी, ये बताइए कि लड़की शादीशुदा? नहीं। तो उसकी उम्र 25 साल से ऊपर? जी नहीं, लेकिन ये सब कुछ है। इसलिए पूछ रहा हूँ कि हम ढेरे आर्टिस्ट आदमी मूड के बगैर कुछ करते नहीं। अगर लड़की खूबसूरत हुई तो पार्टी फैंटास्टिक होगी, अगर ज्यादा खूबसूरत हुई तो पार्टी फैंटास्टिकली फैंटास्टिक होगी। कब आ रही हो? फ्राइडे को। कौन से प्लेन से? एयर इंडिया। बोइंग 707। नमस्ते। नमस्ते। यही ज्योति है? मैं नहीं मान सकता। क्यों, इतनी बदल गई हूँ? वेलकम होम, वेलकम होम ज्योति। आपके लिए छोटा सा तोहफा। थैंक यू, लेकिन ये आप ही रखिए, बड़ा भारी है। कमल, ज्योति, मुबारक हो। Excuse me,
मिस ज्योति, बंदे को प्रकाश कहते हैं। हेलो प्रकाश। हेलो। हम पहले मिल चुके हैं जी? कभी नहीं, लेकिन मिलते रहेंगे। कैसे मिलते रहोगे, देखता हूँ। फुटपाथ के रोमियो, चल बेटी चलो, फौरन चलिए। आई डू नॉट वांट टू वेस्ट माय टाइम। चलिए चलिए, आई डू नॉट वांट टू पिक अप। मिस ज्योति, यू आर लुकिंग टेरिफिक, टेरिफिक। अरे राजन, सारे मेहमान आ गए हैं और अभी तक प्रकाश का कोई पता ही नहीं। जरा जाके उसे फोन तो करो। फोन आप कीजिए, मैं प्रकाश का चमचा नहीं हूँ। उसका आना बहुत जरूरी है, वरना पार्टी को एंटरटेन कौन करेगा? मैं कर देता हूँ। आप सब लोगों ने प्रकाश को सर पे चढ़ा रखा है, मेरी एंटरटेनमेंट वैल्यू आपको मालूम ही नहीं। लेडीज ऑफ द जेंटलमैन एंड जेंटलमैन ऑफ द लेडीज, भाइयों और भाइयों की बहनों, मिस ज्योति विलायत से कामयाब होकर आई हैं। ये पार्टी इसी खुशी में रखी गई है। मैं जानता हूं कि आप सब लोग प्रकाश का गीत सुनने के लिए बेताब हैं, जो खुद ही लापता है। मैं कहता हूं कि वो नहीं आएगा, और जब तक कि वो प्रकट नहीं होते मैं आपको एंटरटेन करूंगा। ये मॉडर्न पोइट्री है, शायद आपकी समझ में ना आए, लेकिन मैं फिर भी आपको सुनाता हूं। मुलाहिदा, आग पानी ठंडी सड़क ताड़ का पेड़। आग पानी ठंडी सड़क ताड़ का पेड़, ठंडी का मौसम ऊन वाली भेड़। प्रकाश आ गया। आखिरी लाइन है, आदमी ने आदमी की मारी है रेड़। हा हा याहू, कितने सपने कितने अरमा लाया हूँ मैं, देखो ना देखो ना। हे मेरा दिल भी एक महफिल है, तुम भी कभी आओ ना बैठो ना। तुमसे मिलके यूं तो महक रहा हूँ, फिर भी मैं अकेला बहक रहा हूँ। अरे तुमसे मिलके यूं तो महक रहा हूँ, फिर भी मैं अकेला बहक रहा हूँ। मेरी अंधेरी है तन्हाइयाँ, कोई दिया तुम जला दो ना। ए, कितने सपने कितने अरमा लाया हूँ मैं, देखो ना देखो ना। जहाँ भी पलक थमी है, प्यार की जहाँ में बहुत कमी है। अरे हर तरफ जहाँ भी पलक थमी है, प्यार की जहाँ में बहुत कमी है। बेरंग है ये मेरे रात दिन, तुम रंग कोई मिला दो ना। हे कितने सपने कितने अरमा लाया हूँ मैं, देखो ना देखो ना। नहीं है
हाँ वो गम में भीगी सदा नहीं है। कोई मुझ में देखे तो क्या नहीं है, हाँ वो गम में भीगी सदा नहीं है। मेरे तरानों में पड़ जाए जान, तुमको ये धड़कन जगा दो ना। ए, कितने सपने कितने अरमा लाया हूँ मैं, देखो ना देखो ना। ए, मेरा दिल भी एक महफिल है, तुम भी कभी आओ ना बैठो ना, आओ ना बैठो ना। बहुत ही अच्छा गाते हैं, आपको तो हिंदुस्तान का मशहूर सिंगर होना चाहिए। वो तो हूँ, लेकिन आप जैसे समझदार सुनने वाले कहाँ मिलते हैं? प्रेजेंट लाने की क्या जरूरत थी? इस मुलाकात की याद दिलाने के लिए, वरना लोग आजकल मिलते हैं लेकिन भूल जाते हैं। वाह वाह, क्या लाइन है आपके हाथ की, सच कह रहा हूँ। वैसे आप जिंदगी में कभी कुछ नहीं खोएंगे, अगर गलती से खो भी बैठे तो बहुत जल्दी वापस मिल जाएगा। अरे ज्योति, यहाँ क्या कर रही हो? डाइनिंग हॉल में चलो, पीपल आर वेटिंग, कम प्लीज। अलाउ मी, थैंक यू। प्रकाश तो चुकी, प्रकाश बंदा हाजिर। कल मेरा जन्मदिन है और मैं चाहता हूँ शाम की चंद घड़ियां आपके साथ बिताई जाए। लेकिन कुछ नहीं, आई एम श्योर कि आप इनकार नहीं करेंगे, तो कल 5 बजे रोमी पैलेस होटल में आपका इंतजार करूंगा। बचपन से बुरी आदत है, जो चीज पसंद आती है उसे उठा लेता हूँ, जैसे कि आप जी की फोटो। बुरा मत मानिएगा, बहुत खूबसूरत है आपकी फोटोग्राफ। अरे अभी तक सो रही है क्या? I love you. प्रकाश तो ज्योति क्या, अगर कोई तोहफा दे तो लेना ही पड़ता है। तोहफे तक ही ठीक है, प्रकाश से ज्यादा जान पहचान मत बढ़ाना। क्यों? पैसे वाले बाप का बिगड़ा हुआ इकलौता बेटा है, फ्लैट है, गाड़ी है और बहुत सी लड़कियां भी है, जिनमें से हर एक का यही दावा है कि वो उसे चाहता है। काम क्या करता है? कुछ नहीं, कभी कभी रेडियो पे गा लेता है और कभी अपनी पेंटिंग की नुमाइश कर लेता है, बस। आर्टिस्ट भी है? हो सकता है, लेकिन क्लब में आज तक उसके बारे में जो कुछ भी सुना है। May I come in, please? Come in. नमस्ते कमल जी। हेलो ज्योति, रात को मैं आपसे ठीक से बात नहीं कर सका, अजीब पार्टी थी, पहले गाना फिर खाना फिर टाटा करके भाग जाना। मैं आज शाम के डिनर के लिए आपको इनवाइट करने आया हूँ। आज शाम को तो कल शाम को सही, कल शाम को भी शायद फुर्सत नहीं। कोई बात नहीं, परसों शाम को सही। अच्छा, आप पिताजी से मिले? नहीं 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 नहीं। तो आप नीचे जाइए, पिताजी से बात कीजिए, हमें कुछ प्राइवेट बातें करनी है। ओह आई एम सॉरी, प्लीज एक्सक्यूज मी, कैरी ऑन कैरी ऑन, आई विल जॉइन यू लेटर ऑन। वो बात तो अधूरी रह गई। कौन सी? प्रकाश के बारे में तुमने क्या सुना है? यही, हर लड़की से फ्लर्ट करता है और हर लड़की को अपनी पैटर्न डायलॉग सुनाता है। यानी लड़की से पहली बार मिलता है तो कहता है, तुम जैसी लड़की तो मैंने आज तक नहीं देखी। दूसरी मुलाकात में कहता है, यूं तो ये दूसरी मुलाकात है लेकिन लगता है जैसे जन्म जन्म से जान पहचान हो। झूठा कहीं का। कल तुमसे कुछ नहीं कहा? नहीं तो? तो कहेगा। वैसे तो ये हमारी तीसरी मुलाकात है लेकिन ऐसे लगता है जैसे जन्म जन्म की पहचान है। जी हाँ। रख लो, आज हमारा जन्मदिन है। थैंक यू सर। मैनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे।
अरे यार कमाल है, कल प्रकाश बाबू आया टिप दिया और हमको बोला हमारा जन्मदिन है, और आज फिर टिप दिया और बोला हमारा जन्मदिन है। अरे पन कल प्रकाश बाबू के साथ दूसरा छोकरी था। ओ ये गलत बात है कि प्यार होने में या दिल से दिल मिलने में वक्त लगता है। आप तो ये मानते हैं कि प्यार या तो पहली नजर में होता है या तो फिर कभी नहीं होता। जरूर आप कोई ऐसी लड़की से मिल चुके हैं जो मुझे मिल चुकी है, सच बोलिएगा। जी हाँ, लेकिन नाम नहीं बताऊंगा। मैं पूछूंगा भी नहीं, लेकिन इतना जानना चाहूंगा कि आप भी औरों की तरह मुझे आवारा रही इस बाप का बिगड़ा हुआ बेटा समझती हैं जैसे कि सब समझती हैं। मैं सुनी सुनाई बातों पर यकीन नहीं करती। गुड। कोई आदमी क्या है कैसा है इसका फैसला करना बड़ा मुश्किल होता है। आप 10 मिनट के लिए मेरे फ्लैट पे चलेंगे? जी। अरे जी, मेरा मतलब है मैं आपकी राय जानना चाहता हूँ कि मैं क्या हूँ कैसा हूँ। मेरी राय क्यों? इसलिए कि आप ज्योति हैं, मैं प्रकाश हूँ। मतलब यह कि प्रकाश हमेशा ज्योति का होता है, लेकिन ये जानना चाहता हूँ कि ज्योति प्रकाश का हो सकती कि नहीं। आ गए प्रकाश बाबू, आज सुबह से रोटी का टुकड़ा तक किसी ने नहीं दिया। अरे माई, मैंने तुमसे कितनी बार कहा कि मेरे नौकर से रोटी ले लिया करो, लेकिन तुम मानती नहीं हो। अच्छा चलो, और सुनो, आज भीख नहीं मांगना। 100 बरस दियो, भगवान तुम्हें सुखी रखे। जानती हो, जिस दिन माई मुझे आशीर्वाद देती है उस दिन जरूर कुछ ना कुछ अच्छा होता, जैसे आज आपका मेरे साथ घर में आना वगैरह वगैरह वगैरह। अच्छा, लक्ष्मण जी कोई आया तो नहीं? जी नहीं साहब। अगर कोई आया भी तो कह देना मैं घर में नहीं। अच्छा साहब। ज्योति जी, ये मेरा ड्राइंग रूम है, इसी के साथ में बेडरूम और उसी के साथ किचन कम डाइनिंग रूम। आइए ना। ये है मेरा छोटा सा स्टूडियो। ताज्जुब हुआ? जी नहीं, आपकी इस आर्ट की भी तारीफ सुन चुकी हूँ। आप इनमें से किसी को जानती हैं? जी नहीं। खूबसूरत लड़कियां, दौलत की भूखी, दिलों से खेलने वाली, फैशन की दीवानी, इनकी जिंदगी सिर्फ नाइट क्लबों और होटलों में भटका करती है, और ये सब मेरी गुरु जी हूँ। इन्होंने मुझे दिलों से खेलना सिखाया, झूठा प्यार करना सिखाया और दौलत से जज्बात को खरीदना सिखाया। और आप यकीन नहीं करेंगे, मैं हर रोज सुबह उठकर इन सब के सामने प्रणाम करता हूँ, जय हो। लेकिन ये आप ही की जिंदगी की तस्वीरें हैं ना? समझदार आदमी अपनी जिंदगी की इतनी खुली नमाइश कभी नहीं करता। आपने भी वही कहा जो सबने कहा। मैंने अपनी जिंदगी की सही तस्वीरें आज तक कभी किसी को नहीं दिखाई, क्योंकि देखने वाले बहुत मिले लेकिन परखने वाला कोई नहीं मिला। ना जाने मुझे आप पर क्यों इतना विश्वास हो रहा है कि आप जो भी फैसला करेंगे वो सही होगा, सच होगा, सच के अलावा कुछ नहीं होगा। अपनी जिंदगी का असली रूप और दुनिया के बीच मैंने एक पर्दा डाल रखा था। इस पर्दे के उस तरफ जो कुछ भी है उसे मेरे और मेरे नौकर के सिवाय आज आप पहली बार देखेंगे। वो सिर्फ तस्वीरें थी, खूबसूरत लेकिन बेजान। ये जिंदगी है, इसमें गम है, दुख है, मजबूरी है, भूख है। ये उन्हीं लोगों की तस्वीरें हैं जो हमारी तरह इंसान है लेकिन जानवर से बदतर है। जानती हो ज्योति, अगर मेरा पास चले तो मैं इन तस्वीरों में इतने चमकीले रंग भर दूं, इतने नए रंग भर दूं कि इनकी आंखों की उदासी कोई ना देख सके और इनकी जिंदगी का अंधेरा हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाए। प्रकाश खामखा बैठ गया, पागल तो नहीं समझा? क्या हुआ? कुछ नहीं। ये तस्वीर किसकी है? एक लड़की है जिसे मैं कई बार सपनों में देख चुका हूँ और इतनी बार देख चुका हूँ कि उसका चेहरा मेरी आंखों में समा गया। बहुत लड़कियां मिली, बहुत ढूंढा, लेकिन वो कहीं नहीं। इसलिए सिर्फ याददाश्त से उसकी तस्वीर बनाना चाहता हूँ जो कि अधूरी है। क्या मैं देख सकती हूँ? एक शर्त,
वो क्या? भगवान से प्रार्थना करना कि वो मुझे मिल जाए। आपका अरमान, आपका नाम मेरा तराना और नहीं। इन झुकती पलकों के सिवा दिल का ठिकाना और नहीं। जचता ही नहीं आँखों में कोई, दिल तुमको ही चाहे तो क्या कीजिए। ओ मेरे दिल के चैन, चैन आए मेरे दिल को दुआ कीजिए। अकेला भी अक्सर गिर के संभल सकता हूँ मैं। तुम जो पकड़ लो हाथ मेरा, दुनिया बदल सकता हूँ मैं। मांगा है तुम्हें दुनिया के लिए, अब खुद ही सनम फैसला कीजिए। ओ मेरे दिल के चैन, चैन आए मेरे दिल को दुआ कीजिए। ओ मेरे दिल के चैन, ओ मेरे। क्या फैसला किया आपने मेरे बारे में? तुम बहुत अच्छे आर्टिस्ट हो। बस
बहुत अच्छा गाते हो। बस आदमी कैसा लगा, अच्छा या बुरा? ये ना पूछते तो अच्छा कहने वाली थी, पूछ लिया इसलिए बुरे हो। क्यों 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 क्यों? जो ये चाहता है कि कोई उसे अच्छा कहे, उसकी तारीफ करे, उसकी पूजा करे, वो कभी अच्छा नहीं होता। तुम्हें क्या मालूम कि मैं क्या चाहता हूँ? अरे मैं तो जिंदगी भर तुम्हारी तस्वीरें बनाना चाहता हूँ, जिंदगी भर तुम्हें गीत सुनाना चाहता हूँ, और कल तुमसे फिर मिलना चाहता हूँ। गुड नाइट। गुड नाइट। हाँ गुड नाइट। How are you, doctor? Good morning, Good morning. This is Dr. Jyoti Verma, जिसके बारे में मैंने आपसे जिक्र किया था। नमस्ते डॉक्टर, आप ज्योति को मेरे हॉस्पिटल में ले आए, इसके लिए शुक्रिया। मैं आपसे वादा करता हूँ कि इन्हें हमारे यहाँ काम सीखने के लिए हर तरह की फैसिलिटीज और आजादी मिलेगी। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर। हॉस्पिटल से आ गए बेटी? पिताजी आज मैं बहुत खुश हूँ, डॉक्टर सिद्दीकी के साथ काम करने का मौका मिला, और स्टाफ के लोग जितने अच्छे हैं उतना ही अच्छा हॉस्पिटल है, लेटेस्ट मशीन्स हैं, और वहाँ का ऑपरेशन थिएटर तो बहुत ही अच्छा है। तू तो बहुत खुश है, लेकिन मुझे अफसोस है। क्यों? इतने दिन इंग्लैंड में रही, अब तू हॉस्पिटल में रहा करेगी, मुझे फिर अकेला रहना पड़ेगा। बेटा होता तो कहता जल्दी से बहू ले आ, तू है बेटी और वो भी डॉक्टर, अब तो कोई डॉक्टर ही आएगा इस घर में। इसके बारे में भी कुछ सोचा है तूने? पिताजी बिटिया, साहब दिन में ऑफिस में गए थे ना, तो प्रकाश बाबू के चार पांच फोन आए थे। अच्छा अच्छा, एक कप गरम गरम चाय हो जाए तुलसी काका। अभी लाए बिटिया। ज्योति फोन के पास ही बैठे थे क्या? जी हाँ, सुबह से बैठा हूँ, आज शाम को मिलने वाले थे ना। लेकिन आज से मैंने हॉस्पिटल ज्वाइन कर लिया है ना, इसलिए सुबह शाम वहीं रहना पड़ेगा। तो फिर हम मिलेंगे कब मेम साहब? सिर्फ संडे को मिल सकते हैं। संडे? आज क्या दिन है? फ्राइडे। फ्राइडे फ्राइडे सैटरडे संडे, मैं संडे तक जिंदा रहूंगा। प्लीज प्रकाश। व्हाट प्लीज? नो प्लीज। हेलो डॉक्टर, अभी अभी एक नया पेशेंट आया है, बहुत सीरियस केस है, मैंने उसे इमरजेंसी रूम में रखा है। अच्छा तुम इनकी आंखों में दवा डाल दो। ओ मर गया मर गया, डॉक्टर डॉक्टर जल्दी आओ, ओ डॉक्टर। ओ ये क्या पागल, डॉक्टर डॉक्टर मैं अंधा हो गया। प्यार चुप करो, ये हॉस्पिटल है, यहाँ मैं डॉक्टर हूँ, तुम्हें ऐसा मजाक नहीं करना चाहिए। गलती हो गई, लेकिन मैं तुमसे वादा करता हूँ कि अगर मैं सचमुच अंधा हो गया तो तुम्हारे सामने करूँ। क्या कह रहे हो डॉक्टर? आपको बड़े डॉक्टर साहब ने बुलाया। डॉक्टर कौन है? वार्ड बॉय। अच्छा तुम चलो, मैं अभी आती हूँ। गया क्या? हाँ हाँ, तो मैं क्या कह रहा था? कुछ भी नहीं, अब तुम जाओ यहाँ से। एक शर्त पे जाऊंगा। वो क्या? शाम को तुम मेरे घर आओ। प्रॉमिस नहीं करती, यहाँ बहुत काम है, मुझे देर भी हो सकती है। तो मुझे भी देर हो सकती है, जब तक तुम नहीं आओगे मैं यहीं पे पड़ा रहूंगा। प्रकाश कभी ज्योति से अलग रह सकता? प्लीज प्लीज। अच्छा बाबा आऊंगी आऊंगी। थैंक यू, यू आर स्वीट। बाय मर्से। देख रहे हो सनसेट? मैं समझी तुम मुझे देख रहे हो। हाँ दोनों का मुकाबला कर रहा हूँ, सूरज डूब रहा है, खूबसूरत लड़की सामने खड़ी, कुछ कमी है। क्या कमी? हाँ एक सफेद सी साड़ी हो,
सर पे पल्लू, गले में मोतियों की माला, माथे पे लाल सी बिंदिया, जो सूरज के सिंदूरी रंग को चैलेंज दे, जानते हो क्या हो जाए? ये खूबसूरत सी पेंटिंग बन जाए। सुनने में तो कविता लगती है। है भी, एक ऐसी कविता जिसकी पहली लाइन तुम हो और दूसरी लाइन मैं हूँ। हेलो, क्या कामनी जी रामगढ़ से वापस आ गई? मैं कामनी बोल रही हूँ। May I know who's speaking? बताने से या ना बताने से आपको कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। मैं म्युनिसिपैलिटी का प्रेसिडेंट भी हो सकता हूँ। मिस्टर राजन, मैं आपकी आवाज पहचान गई। कहो क्या बात है? बात बड़ी गंभीर है। इट्स ए वेरी सीरियस मैटर। इन शॉर्ट हैंड, बिहार की मार्केट आजकल बहुत फ्लक्चुएटिंग हो रही है। आपका डार्लिंग प्ले बॉय प्रकाश लखपति शेर श्यामलाल वर्मा की इकलौती बेटी ज्योति के साथ डे नाइट रोमांस कर रहा है हेल में। नॉनसेंस। सेंस की बात आप पकड़ लीजिए, इसी में आपकी भलाई है। जय हिंद। ज्योति, साहब कहाँ है? साहब घर में नहीं है। घर में नहीं है या अकेले नहीं है? चलो। हाय प्ले बॉय, शाम के वक्त घर में और वो भी अकेले? कोई आने वाला है? कोई आने वाला नहीं तो बस आज पेंटिंग बनाने का मूड आ गया। मॉडल की कमी थी, मैं आ गई। ये क्या कर रही हो? You're drunk on me. नहीं यार, only three straight on the rocks. चलो मैं तुम्हें होटल तक छोड़ा। डार्लिंग, तुम मुझे भगा रहे हो? तुम अभी जाओ, कल मिलते हैं। That means you don't love me. Oh, come on, Kanne. That means तुम किसी और को चाहते हो। कहीं उसका नाम ज्योति तो नहीं है? तुमको किसने बताया? किसी ने भी। ये बताओ, वो सच है या झूठ? तुम जान के क्या करोगी? मैं उसे जान से मार दूंगी। ओ प्रकाश, प्रकाश तुम मेरे हो और मैं तुम्हारी। Get out! चले जाओ यहाँ से। ज्योति, ज्योति, ज्योति ठहरो, तुम्हें असलियत नहीं मालूम है। ज्योति मैं सच बोल रहा हूँ। आंखों से देखा, कानों से सुना, असलियत समझ में आ गई। अगर हो सके तो फिर किसी के दिल से मत खेलिएगा। भगवान तुम्हारा भला करे बेटा। भगवान हमेशा भला नहीं करता माई, कभी कभी धोखा भी दे जाता है। तुमने मुझे मारा? तुम्हारा नेता उतारने के लिए, ताकि मैं जो कुछ भी कहना चाहता हूँ तुम उसे होश में सुन सको। मत मारो, क्या कहना चाहते हो? तो सुनो, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, ये तुम्हारी गलत फहमी है। तुम जैसी शराबी आवारा गर्द और बिगड़ी हुई लड़की से सिर्फ वही आदमी प्यार कर सकता जो तुमसे ज्यादा गिरा हुआ हो। मेरा तुमसे कोई रिश्ता न था, न है, न कभी रहेगा। गेट आउट ऑफ माई हाउस, गेट आउट ऑफ माई हाउस, गेट आउट, गेट आउट। हेलो ज्योति जी। नहीं, मैं कमल हूँ। आप आइंदा यहाँ फोन मत कीजिएगा। समझ में नहीं आता तुम रो क्यों रही हो। मैंने तो तुमसे पहले ही कहा था कि वो किस तरह का आदमी है। अच्छा हुआ तुम्हें जल्दी पता चल गया। बेहतर है तुम हमेशा के लिए उसे भूल जाओ। ज्योति उठो, ज्योति उठो ना, ज्योति।
बाबू का नौकर ये चिट्ठी लेकर आया है और जवाब मांगा है। कह देना यही जवाब है। वापस क्यों आई? मैंने तुम्हें मना किया था आने के लिए। क्या था ना? उस दिन मैं नशे में थी, आज होश और हवास में आई हूँ। किस लिए? दो वजह हैं। पहली तो ये कि मैं जानना चाहती हूँ, जिस लड़के के पीछे तुम दीवाने हो, उसमें ऐसी कौन सी खास बात है जो मुझ में नहीं है? ज्योति और तुम में इतना ही फर्क है कामनी, जितना कि उजाले और अंधेरे में होता है। वो उजाला है, तुम अंधेरा हो। प्रकाश, दूसरी वजह क्या थी तुम्हारे यहाँ आने की? तुम्हारी मासूमियत। तुमने अभी तक पहचाना नहीं मुझे। मुझे जो अच्छा लगता है उसे हासिल करके रहती हूँ। काश तुम मेरी स्टेट में होते तो तुम्हारे पैरों में जंजीर होती और तुम मेरे पलंग से बंधे हुए होते। तुम्हारी जवानी, तुम्हारी खूबसूरती, तुम्हारी पेंटिंग्स, तुम्हारी आवाज, इन बातों ने मुझ पर कोई असर नहीं किया। ये तो मैं जब चाहे खरीद सकती हूँ। जानते हो मैंने तुम्हें क्यों पसंद किया? मुझे शिकार खेलने का बड़ा शौक है। जानवर जितना खतरनाक हो, जितना चालाक हो, उसे मारने में ज्यादा मजा आता है। और कुछ कहना चाहती हो तुम? और जब खेलते खेलते थक जाती हूँ तो जानवर को मार के उसका सर अपने बेडरूम में लगवा लेती हूँ। अगर इजाजत हो तो मैं भी कुछ कहूँ राजकुमारी जी। इजाजत है। यू आर अ ब्लडी बिच। इन्हीं अदाओं पे तो मरती हूँ। मजा आएगा शिकार में। वैसे भी आज मैं अपनी स्टेट में वापस जा रही हूँ। आखिरी बार तुमसे मिलने आई हूँ सिर्फ ये कहने के लिए कि तुम अपने भगवान से प्रार्थना करना कि आइंदा कभी मेरी नजरों के सामने ना आओ। तुम जा सकती हो। Come on, Chubby. ज्योति, कमल, ज्योति जल्दी जल्दी तैयार हो जाओ, पिकनिक पर चलना है। और आज तो तुम्हारी छुट्टी भी है। नहीं कमल, मेरा कहीं आने जाने को मन नहीं करता। तुम्हें चलना ही पड़ेगा, तुम्हारे लिए तो मैंने प्रोग्राम बनाया है। तुम्हारी उदासी मुझसे देखी नहीं जाती। जिद मत करो कमल, मैं नहीं आ सकती। तो क्या अभी तुम उसे चाहती हो? मालूम नहीं, मेरी कुछ समझ में नहीं आता कमल। ऐसा लगता है जैसे एक सपना देखा था। बुरा सपना जिसे याद नहीं करना चाहिए। तुम अपने आप को क्यों जला रही हो? अब तक तो वो तुम्हें भूल भी गया होगा। प्रकाश, कुछ देर पहले तुमने मुझे ऑफिस से फोन किया था क्या? हाँ, तुम
फौरन चले आओ। क्या कोई बहुत जरूरी काम है? हाँ, अगर देर हो गई तो शायद बहुत देर हो जाएगी। प्रकाश, तुमने क्या किया पागल? मुझे इतना तो समझ नहीं देते, तुम अच्छे हो या बुरे? अब तो बता दो, मैं अच्छा हूँ या बुरा? तुम जिंदा हो? सिर्फ तुम्हारे लिए। अरे ज्योति है तो प्रकाश अमर है, प्रकाश ज्योति पर मरता। मन करो। सॉरी। इसे कहते हैं प्रेम, मुर्दे में जान डाल दी। चक्कर तो तू भी खा गया था यार। लेकिन ये हुलिया क्या बना रखा है? मेकअप किया। कहाँ मखा बुलाया मुझे? मामला आप दोनों का और मेरे ऑफिस का वक्त बर्बाद हुआ। यहाँ हमारी जिंदगी बर्बाद हो रही थी उसका कुछ नहीं। मैं तुम्हें खास करके इसलिए बुलाया कि इनको बताओ कामनी देवी चीज क्या। वो शराबी किसी के भी गले पड़ने वाली आवारा लड़की। आपने सोचा कैसे कि प्रकाश का कामनी जैसी लड़की से कोई संबंध हो सकता है? क्लीन सर्टिफिकेट। ओके प्रकाश, मैं चलता हूँ। ओके, मैं भी जाता हूँ। अरे ये तो बताओ क्या सोचा मेरे बारे में? तुम बुरे हो, बुरे हो, बहुत बुरे हो। अरे अरे अरे, मेरी बात तो सुनो। हमारी गलती हो गया डॉक्टर साहब, हम तो माफ कीजिए। नहीं माफ करते, जाओ। अरे दीवाना दीवाना करके छोड़ोगे लगता है यूं हमको। सौ बार कहा है जाने जहां, यूं प्यार से तुमसे ध्यान करो। तू पा क्या है देख।
आंखों को सुनो ना हाय जीना मुश्किल कर दोगे लगता है यूं हम सवार कहां है जाने जहां यूं प्यार से तुम देखा न करो हाय जीना। लाला जी आर्ट के इन नमूनों के बारे में क्या ख्याल है आपका? वैयर वल्गर। अब आप ही सोचिए ऐसी तस्वीरें बनाने वाला खुद कैसा होगा? आदमी के काम से उसके करेक्टर का पता चलता है। मेरा भी बिल्कुल यही ख्याल है। ज्योति जैसी पढ़ी लिखी समझदार लड़की का ऐसे बदमाश आदमी के साथ घूमना फिरना बहुत बुरी बात है। क्या बकते हो? मैं बकता नहीं, अपनी आंखों से देखकर आया। मैं नहीं मानता। आप शायद तब मानेंगे जब ज्योति की भी ऐसी ही तस्वीर आपके सामने होगी। राजन कौन है वो? यूं तो आप ही जानते हैं लाला जी, वही जिसने पार्टी में गाना गाया था। प्रकाश? जी हाँ प्रकाश, बदमाश लफंगा। कहाँ रहता हूँ? मकान तो मैंने पहले ही देख रखा है, आपको भी दिखा देता हूँ। आगे आप जानिए। चलो अभी चलो, फौरन चलिए, फौरन चलिए। नमस्ते लाला जी, कैसे आना हुआ? देखो मेरी एक ही बेटी है और मैं नहीं चाहता कि उसका मेल जोल किसी गलत आदमी से हो। आप बैठे तो सही। नहीं, मैं सिर्फ ये जानने के लिए आया हूं कि ज्योति की तुम्हारी कितनी जान पहचान है। हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं। ये नामुमकिन। आज से तुम ज्योति को हमेशा के लिए भूल जाओ। अच्छा ये होगा कि आप ज्योति से कहिए वो मुझे भूल जाए। मैं जानता था तुम मुझे ब्लैकमेल करोगे। ब्लैकमेल? लड़कियां भोली होती हैं, तुम जैसे आदमी की बातों में आकर अक्सर उन्हें गलतफहमी हो जाती है जिसे वो प्यार समझती हैं और तुम लोग इस कमजोरी से फायदा उठाते हो। लाला जी अगर आप जो चुप रहो, मैं बिजनेसमैन हूं। आइंदा मेरी बेटी से न मिलने के लिए तुम्हें कितनी रकम चाहिए? मैंने साइन कर दिया है, फिर अब तुम बन दो। आप सौदा करना चाहते? नहीं, मैं अपनी बेटी को बर्बादी से बचाना चाहता हूँ। लाला जी आप सेठ गोविंद राम को जानते हैं? और नहीं जानता। क्या कहना चाहते हो? अगर आप सौदा ही करना चाहते हैं तो मैं आपकी बेटी से शादी करने की इजाजत खरीदना चाहता हूँ। मैं उनका बेटा हूं। मैंने साइन कर दिया, फिगर भर दिया। प्रकाश आप भी मेरे पिताजी जैसे हर चीज खरीदना चाहते हैं लेकिन कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो दुनिया में नहीं खरीदी जा सकती हैं। लाला जी तुम बदतमीज हो, आवारा हो। लाला जी आप हार्ट पेशेंट हैं, आपको एक्साइट नहीं होना चाहिए, घर जाइए आराम कीजिए। लाला जी आपकी चेकबुक। तुम्हारी बेटी ने कमाल कर दिया लाला, आज मैं उसके अस्पताल गया था, अरे जो भी मिला उसकी तारीफ कर रहा था बस। अच्छा हुआ राम प्रसाद तुम आ गए, तुम मेरी बेटी की तारीफ सुनकर आया और आज मैं एक नया सबक सीख के आया। मतलब? यही कि एक लड़की इंग्लैंड से डॉक्टर बन के आने के बाद ही बेवकूफ बन सकती है। बात क्या है लाला? एक लड़का है प्रकाश, लड़कियों की गंदी गंदी तस्वीरें बनाता है। ज्योति को से जान पहचान है, कितनी है मुझे पता नहीं। पिताजी मैं आपको खुद ही बताने वाली। मैं खुद उससे मिल चुका हूं। आप? हाँ, और आज से तुम उससे कभी नहीं मिलोगी। लेकिन पिताजी प्रकाश के बारे में तो। लाला जी ठीक कहते हैं बेटी, ये तुम्हारे पिता हैं, तुमसे ज्यादा दुनिया देखी है, भले बुरे की पहचान तुमसे ज्यादा कर सकते हैं। प्रकाश को मैं अच्छी तरह जानता हूँ। तुम उसे जानते हो? हाँ, अगर उसका असली रूप देखना है तो इसी वक्त मेरे साथ चलिए। तो चलो इसी वक्त, मैं चाहता हूं ज्योति की आंखें खुल जाए। ये किस जगह ले आए? लाला आओ तो सही। चंपा की माँ कैसी हो? पहले से कुछ हालत सुधरी या नहीं? हाँ डॉक्टर चाचा, अब तो मैं ठीक हूँ।
बच्चे स्कूल भी जाने लगे और महीने के 4 पैसे भी बचने लगे। अच्छा अच्छा, बैठो काम करो। डॉक्टर लाला पहले आगे तो चलो, आओ। अरे ये स्कूटर कहाँ से लाया? भैया ने दिया मुझे, क्लास में पहला नंबर आया हूँ। अच्छा अच्छा, ये बताओ भैया कहाँ है? अपनों को कब है शाम, अपनों को कब है शाम, मुख दिखलाओगे ऐसे में आए ना, फिर कब आओगे? ये कल बेकल पंथ निहारे, ये कल बेकल पंथ निहारे, उम्र दरस के प्यास तमाम के दिन से हो गई शाम। आओ कनाई मेरे धाम के दिन से हो गई शाम। मुझको तो आवे एक ही नाम के दिन से हो गई शाम। आओ कनाई मेरे धाम के दिन से हो गई शाम। भगवान को ये प्रसाद चढ़ा दो। तूने ये डोना नीचे क्यों रख दिया? तू क्या, मैं हरिजन हूँ। बैठो। इसका मतलब मेरा इस बस्ती में आना तुम लोगों को समझाने का कोई फायदा नहीं हुआ। बेटी, इस दुनिया के इंसान एक हैं, इस दुनिया के भगवान एक हैं, तुम लोगों की आंखों से पर्दा कब हटेगा? ये लो, अब तुम अपने हाथों से मुझे प्रसाद खिलाओ। डॉक्टर चाचा, आपने मुझसे वादा किया था कि आप किसी भी जान पहचान वालों को यहां नहीं लाएंगे। ये जान पहचान वाले नहीं बेटा, तुम्हारे होने वाले रिश्तेदार हैं, तुम्हारी होने वाली पत्नी और परम पूज्य ससुर जी। क्यों लाला, अब तो लड़का पसंद है? अब और शर्मिंदा मत करो बेटा, कर सको तो मुझे माफ करो। ये क्या कह रहे हैं आप, बड़े हमेशा छोटों को माफ करते हैं और छोटे हमेशा बड़ों का आशीर्वाद लेते हैं। बेटी अब कोई चिंता की बात नहीं, तुम्हारे पिताजी की आंखें खुल गई। मुझे सिर्फ इतना ही कहना है कि तुम दोनों जल्द से जल्द शादी कर डालो। हाँ भाई, प्रेम प्रेम काफी हो चुका है। लो ये तो शर्मा के भाग गई है। बच्ची है ना डॉक्टर साहब। देखो बेटा, तुम आज ही अपने पिताजी को चिट्ठी लिख दो। अरे चिट्ठी लिखने की क्या बात है, बस मैं खुद ही चले जाता हूँ। अभी क्या, अभी आ चलो।
डर लगता है तुमसे। क्यों क्यों? जब भी आते हो एक नए रूप में आते हो, बहुत कुछ छुपाते हो मुझसे। सिर्फ एक चीज छुपाई। क्या? तुम्हें अपने दिल में। पिताजी समझे, मुझे फोन तो कर सकते थे। जरूरत नहीं समझी। और आज तुम्हें जिस रूप में देखा उसकी वजह जानना चाहती। जाने कौन जानती है, बचपन से 12 साल तक पैसे पैसे के लिए मोहताज रहा, गरीबी माँ को खा गई। तब से पिताजी ने कसम खाई लखपति बनने की और लखपति बन गए। उन्होंने मुझे भी लखपति बनाने की कोशिश की, लेकिन मैं उस गरीबी को न भूला जिसने मेरी माँ की जान ली थी। और आज जितने भी पेंटिंग के पैसे आते हैं उन्हीं लोगों के काम आते हैं जिनमें मेरी माँ जैसी कई माएँ हैं। कहने को हम भी लखपति हैं। प्रकाश, अगर तुम्हारे डैडी राजी ना हुए। तुम्हें मना लिया है, तुम्हारे डैडी को मना लिया है, भाई हमारे डैडी की बात कल जाते ही फिट। ओके, मैं तुम्हें उससे कभी शादी नहीं करने दूंगा। लेकिन हम एक दूसरे से प्यार करते हैं डैडी, बैडली, बुरी तरह। सुनो प्रकाश, तुमने आज तक जिंदगी में जो भी कुछ किया मेरी मर्जी के खिलाफ, लेकिन शादी मेरी मर्जी से होगी। मैं लड़की वालों से वादा कर चुका हूँ। मैं लड़की से वादा कर चुका हूँ। मेरी जिंदगी में आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ कि मैंने जबान दी और वादा पूरा नहीं किया। तो वादा पूरा होगा, आपका नहीं मेरा। डैडी, मेरी रगों में भी आपका खून है। आपका शादी पर एक पैसा खर्च नहीं होगा, लेकिन शादी में आइएगा जरूर, मैं कार्ड भेज दूंगा। आई विल सेंड द कार्ड। बाय बाय डैडी। प्रकाश, तशरीफ लाइए। आपको न था न कभी होगा, लेकिन मुझे अपनी इज्जत का ख्याल है। सेठ गोविंदराम के इकलौते बेटे की जब शादी होगी तो जरा धूमधाम से होगी। तमाम रिश्तेदार, अहबाब, मेरी तमाम बिजनेस कम्युनिटी शरीक होंगे। आपने आज तक जो भी कुछ किया, अपनी मनमानी की, आज क्या मैं आपसे एक रिक्वेस्ट कर सकता हूँ? कोर्स डैडी। आप अपनी शादी की इंतजाम की जिम्मेदारी मुझे दे दें, ताकि आपके बाप होने के नाते दुनिया में शर्म से सर ना झुकाऊं। जैसा आप चाहें डैडी। अगर यही बात थी तो मुझे पहले बता दिया होता, खाम खा उस बेचारे को बुरा भला कह दिया। अब तो मुझे प्रकाश से माफी मांगनी पड़ेगी। चलो मैं माफ कर देती हूँ, एक ही बात है ना? ये बात है अभी से। चला जाता हूँ किसी की धुन में, धड़कते दिल के तराने लिए। चला जाता हूँ किसी की धुन में, धड़कते दिल के तराने लिए। मिलन की मस्ती भरी आँखों में, हजारों सपने सुहाने लिए। हो चला जाता हूँ किसी की धुन में, धड़कते दिल के तराने लिए। ये मस्ती के नजारे हैं तो ऐसे में संभलना कैसा, मेरी कसम। जो लहराती डगरिया हो तो फिर क्यों ना चलूं मैं बहका बहका। दे मेरे जीवन में ये शाम आई है मोहब्बत वाले जमाने लिए। ओ चला जाता हूँ किसी की धुन में, धड़कते दिल के तराने लिए।
आलम भी अजब होगा, वो जब मेरे करीब आएगी मेरी कसम, कभी भैया छुड़ा लेगी, कभी हंस के गले से लग जाएगी, हाय मेरी बाहों में मचल जाएगी, वो सच्चे झूठे बहाने लिए हो चला जाता हूँ किसी की धुन में, धड़कते दिल के तराने लिए। बहारों में नजारों में नजर डालूं तो ऐसा लागे मेरी कसम, वो नैनों में भरे काजल घूंघट खोले खड़ी है मेरे आगे रे, शर्म से बोझल झुकी पलकों में जवां रातों के फसाने लिए ओ चला जाता हूँ किसी की धुन में, धड़कते दिल के तराने लिए। मिलन की मस्ती भरी आंखों में हजारों सपने सुहाने लिए ओ चला जाता हूँ किसी की धुन में, धड़कते दिल के तराने लिए। ला 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 और इस गाड़ी को पहाड़ के नीचे धकेल दो। राजकुमारी जी, इनकी हालत बहुत सीरियस है, फौरन खून देना पड़ेगा। बेहतर यह होगा कि इन्हें किसी हॉस्पिटल में। नहीं, ये पहले से बाहर नहीं जाएगा, आप दोनों इसे यही ठीक करेंगे। लेकिन राजकुमारी जी, ये सीरियस एक्सीडेंट का केस आप है। मेरे पैलेस के डॉक्टर हैं, स्पेशलिस्ट हैं। इसकी जान बचाएंगे तो मुंह मांगा इनाम मिलेगा, और अगर ये मर गया तो आप दोनों की खैर नहीं। राजकुमारी जी, डॉक्टर चाहे जैसे भी हो, किसी भी कीमत पर इस आदमी को अच्छा करना है। और हाँ, इस एक्सीडेंट के बारे में किसी को भी मालूम नहीं होना चाहिए। करण सिंह, कुछ टेलीग्राम फॉर्म्स लेकर ऑफिस में आ। जी बिटिया, ये तार आया है। बिटिया क्या हुआ? लाला जी, ना जाने बिटिया को क्या हो गया। प्रकाश, नहीं ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता। ज्योति, ज्योति, ज्योति।
एक तो कार की चकनाचूर हालत, दूसरे पहाड़ से नीचे 2000 फीट की गहराई और तेज बहाव वाली नदी। मिस्टर प्रकाश का जिंदा बचना नामुमकिन था। फिर भी हमने बहुत कोशिश की, लेकिन बॉडी का कहीं पता नहीं चला। सेठ गोविंद राम जी भी हमारे साथ थे। बाकी सब सामान तो हम साहब के पिताजी के यहाँ पहुँचा दिए, लेकिन लेकिन ये तस्वीरें साहब ने बहुत प्यार से बनाई रही, आपसे बिना पूछे ही हम यहाँ ले आए। हमारे मन ने कहा साहब भी शायद यही चाहते कि उनकी तस्वीरें आप ही के पास रहे। क्या हुआ बेटी? कुछ नहीं। ओ, मैं जानता हूं तुम्हारे दिल पर बहुत बड़ा सदमा पहुंचा है, लेकिन बेटी जो कुछ होना था वो हो गया। अब अपने आप को संभाल, दिल पे काबू रख। न रो बेटी। बेटी तुम पढ़ी लिखी हो, समझदार हो, डॉक्टर हो, अपना बहुत बड़ा अस्पताल बनाना चाहती हो। अगर इस तरह दिल हार जाओगी तो कैसे काम चलेगा? नहीं पिताजी, नहीं, मैं और कुछ दिन यहाँ रही तो पागल हो जाऊंगी पिताजी। मैं जानता हूँ बेटी, तुम यहाँ रहकर अपना गम नहीं भुला सकती। अच्छा बेटी काम करते हैं, यहाँ से कहीं दूर किसी हिल स्टेशन में चले जाएं। तू अपना अस्पताल वहीं क्यों नहीं खोलती? डॉक्टर, कमल जी पेशेंट को लेकर आ गई, उन्हें बिठाओ मैं आती हूं। जब से ये हॉस्पिटल खुला है दिन रात यही रहती है, मरीज ऑपरेशन और दवाइयों में खोई रहती है। मैं कहीं आना जाना न किसी से मिलना जुलना। हेलो कमल। आओ ज्योति, ये है कैप्टन विनोद, मेरे हस्बैंड के खास दोस्त। नमस्ते जी। ये उनकी बहन उषा। नमस्ते। और ये पप्पू, तुम्हारा पेशेंट। पप्पू, डॉक्टर साहब को नमस्ते करो। नमस्ते डॉक्टर साहब। नमस्ते बेटे, तुम्हारा नाम क्या है? पप्पू। नहीं, पूरा नाम? प्रकाश चंद मेहरा। इसके केस पेपर्स कहाँ है? कमल, तुम थोड़ी देर इन लोगों के साथ यहीं बैठो। कमाल है, यहाँ तो बहुत भीड़ भाड़ है, मुझे डॉक्टर ज्योति से मिलना है। सबको मिलना है जी, हम एक अलग से वेट करता है। आपका नंबर? टेलीफोन नंबर 360077। मिल नहीं सकता। ओह, आप ही खेलते हैं, शर्म करिए। शेम 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 शेम। मिस्टर राजन, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। आपको मेरा नाम कैसे मालूम? क्या आप ज्योतिष विद्या जानती हैं? चलो सिस्टर। ए मिस्टर, कहाँ जाते हो? मेरा नाम राजन है। क्या बोलते हैं जी? हमारा नाम राजन। I say shut up, my name is Rajan. You idiot! I'm Rajan. Yes, Rajan. Yes, yes, पापा जी, आप ही का नाम राजन है, मैं ही अपना नाम बदल लूंगा, आप जाइए जाइए जाइए। बहुत देखे ऐसे कल्दी पहलवान। अच्छा पप्पू, अभी मैंने तुम्हारे सामने लाइट जलाई, कुछ पता चला? नहीं, पहले मुझे सब कुछ दिखाई देता था, अब कुछ नहीं दिखाई देता। मैंने बेबी को भी नहीं देखा। कौन बेबी? मेरी बहन, इतनी छोटी सी है। उसे मैं गोद में लेता हूँ, उसकी आवाज सुनता हूँ,
मगर उसे देख नहीं सकता। अच्छा बब्बू, अगर मैंने तुम्हारी आंखें ठीक कर दी तो तुम मुझे क्या दोगे? सच? फिर तो मैं तुम्हें एक बड़ी वाली कैडबरी चॉकलेट दूंगा। बस एक ही? मैं तो तुम्हारी दोनों आंखें ठीक करने वाली हूँ। अच्छा तो मैं दो कैडबरी चॉकलेट दूंगा। डॉक्टर, पप्पू की आंखें अच्छी हो सकती है? माइनर ऑपरेशन के बाद। डॉक्टर, अगर पप्पू की आंखें अच्छी हो गई तो हम आपका एहसान कभी नहीं भूलेंगे। हम डॉक्टर से सिर्फ कोशिश करते हैं, अच्छा तो ऊपर वाला करता है। ऑपरेशन कब तक हो जाएगा डॉक्टर? वो मैं कमल को बता दूंगी। अच्छा, नमस्ते। अब इनकी जान को कोई खतरा नहीं। लेकिन ये पट्टियां कब खुलेंगी? कुछ दिन और लगेंगे, जख्म अभी भरे नहीं। पप्पू ने आज मोती जैसे दांत नहीं दिखाए? मेरी पट्टी कब खुलेगी डॉक्टर आंटी? मेरी आंखों के सामने अंधेरा कैसा? मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा, अंधा हो गया। मुझे कुछ कुछ दिखाई नहीं दे रहा, मैं अंधा हो गया, अंधा हो गया। अरे मुझे तो सब कुछ दिखाई देता है, मैं तुम्हें देख रहा हूँ डॉक्टर आंटी। मम्मी कहाँ है? डैडी कहाँ है? बेबी कहाँ है? अभी आएंगे बेटे। मम्मी, पप्पू, डैडी। हेलो बेटे। कैप्टन मामा। हाय पप्पू। ये देखो पप्पू, ये तुम्हारी छोटी बहन है बेबी। अच्छी है ना? ये तो बिल्कुल गुड़िया जैसी है। आंटी ये लो आपका कैप्टन चॉकलेट। अरे तुम भूले नहीं, कौन लाया? कैप्टन मामा। ज्योति, संडे को तुम फ्री हो ना? क्यों? डॉक्टर, आपने मेरे बेटे को सिर्फ आंखें नहीं, एक नई जिंदगी भी दी है। इसकी खुशी में हम आपको एक छोटी सी पार्टी देना चाहते हैं। आज का प्रोग्राम कामयाब रहा, क्योंकि बहुत दिनों के बाद पहली बार ज्योति को मैंने हंसते हुए देखा। और सबसे बड़ी बात यह है कि आज पहली बार डॉक्टर ज्योति ने हॉस्पिटल से बाहर अपना कदम रखा है। ये तो मेरी वजह से, मैंने कहा था ना इसलिए। वाह कमल भाभी, इनवाइट तो मैंने किया था। सच? ज्योति से पूछ लो। मैं तो पप्पू के लिए आई थी, अब चलती हूँ। चलिए मैं आपको हॉस्पिटल छोड़ाता हूँ। फिर आओगी ना आंटी? जरूर आऊंगी पप्पू। अच्छा नमस्ते। नमस्ते। यू माइंड इफ आई स्मोक? प्लीज गो अहेड। थैंक यू डॉक्टर। दिन रात हॉस्पिटल में काम करके आप बोर तो नहीं हो जाती? काम इतना ज्यादा होता है, बोर होने की फुर्सत ही नहीं मिलती। काम कितना भी ज्यादा क्यों ना हो, इंसान मशीन तो नहीं बन सकता। काम के साथ साथ आराम भी चाहिए, जिंदगी में कोई दिलचस्पी होनी चाहिए। आप कहना क्या चाहते हैं? यही कि आप भी इंसान हैं। इंसान और मशीन में सिर्फ इतना फर्क होता है, इंसान के पास दिल है, दिमाग है, जज्बात हैं और प्यार है। अरे गेट बंद हो गया। चलिए इसी बहाने 5 मिनट और आपका साथ रहेगा। मुझे हॉस्पिटल जल्दी पहुंचना है। वाह क्या लाइन है आपके हाथ की, जिंदगी में कभी आपका कुछ नहीं खोएगा और अगर खो भी गया तो वापस मिल जाएगा। गुड नाइट एंड थैंक यू डॉक्टर ज्योति।
एक छोटी सी भेंट है मेरी तरफ से। गुड नाइट। करा रही है राजकुमारी जी। सुना नहीं, बजाओ पियानो। मैं आपका कैदी जरूर हूं लेकिन अपनी मर्जी का मालिक हूं। राजकुमारी जी, कभी आपने कोयल की कूक सुनी है जो हरे भरे पेड़ों की टालियों पर बैठकर आजादी से बाहरों के गीत गाती है? उसे कभी पिंजरे में बंद करके देखिएगा राजकुमारी जी। तुम अपनी जिद की वजह से पिंजरे में बंद हो। प्रकाश, प्रकाश तुम मुझे अपना दिल दे दो, मैं तुम्हें आजाद कर दूंगी। तुम जो चाहोगे मैं तुम्हें दे दूंगी। तुम मेरी जान ले सकती हो, मेरा दिल नहीं। राजकुमारी जी, दिल ही तो एक ऐसी चीज है इंसान के पास जिसका सौदा नहीं किया जा सकता, जिसे तुम भी नहीं खरीद सकती हो। कौन सी शराब पीती हैं आप? ये भी आप ही की तरह कड़वी है। क्या हुआ, खामोश क्यों हो गई आप? हाँ, राजकुमारी जी चली गई। कोयल की कूक नहीं तो चीख तो निकलवा सकते हो। कल से 10 होंगे, रोज 5 हंटर बढ़ते जाएंगे। जब तक मेरे कदमों में अपना सर न झुका दूं, तब तो आपको बहुत इंतजार करना पड़ेगा। जवानी ढल जाएगी, शराब आपको खा जाएगी। मेरा सर कट सकता है लेकिन झुक नहीं सकता है राजकुमारी जी। ठीक है, जिस दिन मेरे सबर का बांध टूटेगा तुम्हारा सर कट जाएगा। मेरा डॉक्टर ज्योति से मिलना बहुत जरूरी है। आपने अपॉइंटमेंट लिया है? नहीं तो, लेकिन मैं उनको खूब अच्छी तरह जानता हूँ और वो भी मुझे जानती है। लेकिन बिना अपॉइंटमेंट डॉक्टर किसी से नहीं मिलते। वेरी बिग डिसअपॉइंटमेंट। बस आज डॉक्टर बहुत बिजी है, आप कल आइएगा। अच्छा सुनिए, तो फिर आज आप ही से अपॉइंटमेंट हो जाए जी। नहीं नहीं, मेरा मतलब है शाम को ड्यूटी के बाद जब आप फ्री हो जाएंगी, चौपाटी पे चल के भेलपुरी खाएंगे और रात को 9:30 बजे का शो रेडियो टॉकीज पर फिल्म देखेंगे रिटर्न ऑफ द फैन मैन। क्या ख्याल है? वैसे मेरा ख्याल है आप फौरन यहाँ से चले जाइए, वरना मुझे वॉचमैन को बुलाना पड़ेगा। तीसरे आदमी को क्यों बनवाती, हमारा मजा खराब हो जाएगा। क्या? अरे अरे, आप तो नाराज हो गई। कोशिश करना, हर इंसान का फर्ज है। देयर इज नो हार्म इन ट्राइंग। गेट आउट। ओके ओके, आई विल ट्राई अगेन टुमारो मॉर्निंग। आई सेड गेट आउट। कौन कमल? ज्योति, अभी तक तुम हॉस्पिटल में ही हो। आज से तुम्हारे जीजाजी भी मेरे साथ आए हैं। तुम घर कब तक आ रही हो? कमल, मैं बड़ी मुश्किल में पड़ गई हूँ। कैप्टन विनोद का फोन आया था, वो आज शाम को मुझे डिनर के लिए इनवाइट करना चाहते हैं। तो इसमें मुश्किल क्या है, चली जाओ। मुझे ऐसा लगता है कि वो मुझसे जान पहचान बढ़ाना चाहते हैं। तो कोई जुर्म है क्या? तुम मत बढ़ाना, जब इनवाइट किया है तो जाना चाहिए। आदमी बुरा नहीं है, इसकी गारंटी मैं देती हूँ।
नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं। तो फिर फैसला हो गया, मैं चाचा जी से कह दूंगी कि आज तुम देर से आओगी। लेकिन कमल, ये लीजिए। नो थैंक यू। आप बहुत कम खाती हैं, बोलती भी बहुत कम है। इतनी देर में आपने सिर्फ हाँ या ना के सिवा कुछ भी नहीं कहा। शायद आपको मेरी कंपनी पसंद नहीं। ऐसी कोई बात नहीं। तो फिर आप खामोश क्यों हैं? अब तो हम कई बार मिल भी चुके हैं, जान पहचान भी हो चुकी है। मुझे ज्यादा बोलने की आदत नहीं। लेकिन मैं तो जब भी हॉस्पिटल गया हूँ आपको मरीजों से बात करते हंसते हुए देखा है। वो दूसरी बात है, वहां तो मैं डॉक्टर हूँ। और यहाँ थोड़ी देर के लिए अपना हॉस्पिटल, मरीज, अपनी जिम्मेदारियां, ये सब भूलकर सिर्फ एक लड़की नहीं बन सकती। आज आपने नाजुक हाथों से मुझे छुआ। मतलब? आपका हंटर कहाँ गया? बेवकूफ, एक कदम और आगे बढ़ते तो छुरा आर पार हो जाता। अच्छा? सच? ताज्जुब है, जान लेने वाले जान बचाना भी जानते हैं और जान देना भी। ये शराब बोल रही है राजकुमारी जी? नहीं, एक औरत जो तुम्हें चाहती है। झूठ, जो सिर्फ शिकार करना जानती है। हाँ, लेकिन बड़े से बड़े शिकारी का भी निशाना चूक सकता है। एक दिन अचानक वो खुद शिकार हो सकता है। अचानक राजकुमारी के मिजाज में तब्दीली कैसी है? क्योंकि तुम पर जितने वार किए सब खा ले गए। मैं हार गई। आज मैं तुमसे इल्तिजा कर रही हूँ, मुझे अपना बना लो। मैं तुम्हारे कदमों में रहूंगी, तुम्हारे दासी बन के। नहीं नहीं उठिए, ये तो राजकुमारी के शान के खिलाफ है। प्रकाश, प्रकाश मैं जवान हूँ, खूबसूरत हूँ, इतनी बुरी तो नहीं हूँ जितनी तुम्हें लगती हूँ। लगती थी, अचानक अच्छी लगने लगी। जानती हो, आज मैंने तुम्हारा एक नया रूप देखा जिसमें दिल भी है, जज्बात भी है। आंखों के साथ साथ शायद दिमाग भी अंधा हो गया था, जो आज तक मैं तुम्हें पहचान न सका। मेरा मन कर रहा है कि आज मैं नाचूं, गाऊं, खुशियों से पागल हो जाऊं। तो हो जाना। लेकिन तुम देख नहीं सकते। सुन तो सकता हूं। सच? Oh,
आंखें बुझा दो ना हो जाऊंगी तुम्हें जो अगन लगाए है तो छूके देखो ना कहां कहां करना चाहता हूँ लेकिन बंधन में रहकर कोई प्यार नहीं कर सकता। लेकिन यहाँ तो कोई बंधन नहीं है। है, है। मैं एक कलाकार हूँ, इस महल की दीवारों के बीच मेरी आत्मा घुटती है। क्यों ना मुझे कोई ऐसी जगह ले चलो जहाँ खुला आसमान हो, ऊंचे ऊंचे पहाड़ हो, खूबसूरत वादियां हो, जहाँ कोयल की कूक सुनाई देती हो। जरूर ले जाऊंगी, जरूर ले जाऊंगी। कल कल तुम सिर्फ मजबूती से रास पकड़ लेना। चलो प्रकाश। लेकिन हम कहाँ आ गए? हाईवे के नजदीक। अच्छा बड़ी अच्छी जगह है। यहाँ कोई पहाड़ नहीं है नजदीक? यहाँ तो नहीं पर सामने दिखाई देता है। तो मुझे वहीं ले चलो ना। ओके। Thank you.
मुझे धोखा देने की कोशिश की। याद है ना, मैंने कहा था मुझे शिकार खेलने का बड़ा शौक है। असली शिकार का मजा तो अब आएगा। रियली वेरी सॉरी। कौन हो तुम? यहाँ तुम्हारी किसने बना रखी है? आप जो भी हैं मेरी मदद कीजिए, मुझे 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 मेरे घर पहुंचा दीजिए प्लीज। श्योर श्योर, कम कम आओ मेरे साथ, चलो बैठ जाओ। गुड। शिव सागर है बंगले का नाम। ठहरो, मैं तुम्हें दरवाजे तक पहुंचा देता हूं, आ जाओ। आंखों के बगैर तुम्हें काफी तकलीफ होती होगी। अब तो आदत सी पड़ गई है। फिर सीढ़ी। थैंक यू कैप्टन। थैंक यू किस बात का? तुम्हारा घर रास्ते में पड़ता था, छोड़ दिया। आओ इस तरफ। अच्छा प्रकाश, अब मैं चलता हूं। नहीं नहीं, ऐसे कैसे हो सकता, पिताजी से मिलके जाइए ना। नमस्ते जी। नमस्ते, कहिए आप कौन है, पिताजी कहाँ हैं? किसके पिताजी? मेरे पिताजी। तुम कौन हो जी? हाँ हाँ, तुम कौन हो? मैं सेठ गोविंद राम जी का लड़का हूं, उन्हें बुलाइए ना। तुम्हें पता नहीं, सेठ गोविंद राम जी का सर्वनाश होकर एक महीना हुआ। क्या? हाँ, हार्ट फेल से। अचानक उन्हें बिजनेस में बहुत बड़ा नुकसान हुआ, अपना सब कुछ बेचना पड़ा, यहाँ तक कि ये मकान भी। इस मकान का नया मालिक मैं हूँ। माफ कीजिए, आपको खामखा तकलीफ दी। इसमें तकलीफ की कोई बात नहीं। प्रकाश, प्रकाश, I'm sorry। ये तो सब किस्मत के खेल है। लेकिन अब तुम जाओगे कहाँ? कहीं भी,
अब तो चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा है। तुम्हारे कोई रिश्तेदार? नहीं। कोई दोस्त, कोई जान पहचान वाला है? लेकिन मैं उन पर बोझ नहीं बनना चाहता। तो फिर मेरे साथ चलो। कहाँ? मेरे घर। आपके घर? हाँ। नहीं नहीं नहीं, अरे भाई तुम कमजोर हो, जख्मी हो और देख भी नहीं सकते, ऐसी हालत में तुम्हें अकेला नहीं छोड़ सकता। लेकिन मैं तुम्हारे घर। Yes, yes, why not? Don't be silly. Come on. मैं take life easy. आखिर इंसानियत भी कोई चीज होती है। Come on. Come, come. देख के. That's good. नमस्ते कमल जी। पहचाना नहीं मुझे? मैं हूँ राजन। अरे राजन, ये क्या हुलिया बना रखा है? कमल जी, मोहब्बत इंसान को क्या से क्या बना देती है, मुझे पेंटर और सिंगर बना दिया। बैठो। थैंक यू। मैंने बहुत सोचा कि प्रकाश में ऐसी कौन सी खूबी थी कि वो ज्योति के दिल पर छा गया था। मैंने अब महसूस किया कि मुझ में दो चीजों की कमी है, तस्वीरें बनाना और गाने गाना। बहुत मेहनत करने के बाद मैं इन दोनों चीजों में एक्सपर्ट हो गया हूँ। अच्छा, आर्ट के इन नमूनों के बारे में आपका क्या ख्याल है? ये क्या है? आप ही बताइए क्या है। बैंगन? नहीं नहीं नहीं, ये अल्ट्रा मॉडर्न लड़की की तस्वीर है। ये देखिए मिनी स्कर्ट है। छोड़िए, ये बताइए कि ये क्या है? इसमें तो कुछ भी नजर नहीं आता। आप हवा को देख सकती हैं? नहीं तो। ये हवा की तस्वीर है। दिस इज मॉडर्न आर्ट। छोड़िए, ये बताइए आपके पास हारमोनियम है? हारमोनियम, पियानो? नहीं नहीं, क्यों? मैं आपके सामने अपने गले का नमूना पेश करना चाहता हूँ। वैसे ही सुना दो। नहीं नहीं नहीं, जब तक कि तबला हारमोनियम ना हो मजा नहीं आएगा। मैं पक्के राग गाने वाला आदमी हूँ। लेकिन मैं जरा कच्ची सुनने वाली हूँ, वैसे सुना दो। ओके 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 ओके। तेरे कूचे पे अरमानों की दुनिया लेकर आया हूँ, लेकर। बस 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 बस, लगता है तुमने वाकई काफी मेहनत की है। मेहनत करना इंसान का फर्ज है। खैर ये बताइए कमल जी कि आप तो ज्योति की अच्छी सहेली हैं, आपका ख्याल है मेरा कोई चांस है उनके पास? Do you think I can come very close to her? No, Mr. राजा, ज्योति तो प्रकाश को चाहती है। चाहती थी, वो तो इस दुनिया को छोड़ के चला गया। लेकिन ज्योति के दिल से नहीं गया और न कभी जा सकता है। What a bad luck. मालूम होता है जिंदा होके भी मुर्दे के साथ कंपटीशन करना पड़ेगा। खैर कोई बात नहीं, प्यार किया तो डरना क्या। मेरी बात मानो राजन, ज्योति तुम्हारी कभी नहीं हो सकती। हर शरीफ इंसान का फर्ज है कोशिश करते रहना। लॉर्ड माउंटबेटन है सेड, ट्राई एंड ट्राई अगेन, यू विल सक्सीड एट लास्ट। थका हुआ दिखता था। बेटा, तूने पूछा था, कोई तो होगा उसका दुनिया में। उसने कहा वो किसी पर बोझ नहीं बनना चाहता। What a tragedy. जवान, पढ़ा लिखा, भले घर का लड़का और अंधा हो गया। मेरा तो दिल भर आया उसे देखकर, ऐसा लगा जैसे अपना ही बेटा है। मैंने तो फैसला कर लिया, जब तक वो बिल्कुल ठीक नहीं हो जाएगा मैं उसे यहां से नहीं जाने दूंगी। ये बहुत बुरी बात है, हमेशा हर बात का फैसला तुम मुझसे पूछे बिना कर लेती हो। अगर पूछती तो क्या कहते? मैं ये कहता कि अपना एक बेटा तो आर्मी में है, हमेशा बाहर ही रहता है, दूसरा तो कम से कम घर में रहेगा। डैडी गॉट ब्रेड। हो जाए इसी बात पर एक एक और? हो जाए? नहीं, बिल्कुल नहीं, नहीं। अच्छा बेटे, छोटा सा बना दे। बड़ा बना दे। बस बस कैसे, अभी तो आधा खाना बाकी है। खा लो बेटे, ताकत आएगी। लो। अरे तू रो रहा है बेटे? रोने से दुख दूर नहीं होता, दुख तो सहना पड़ता है।
दुख तो आदमी सह सकता माँ जी, खुशी नहीं सही जाती। मेरी खुशी तो बचपन में ही छीन गई, जब माँ चल बसी प्यार भी चला गया। जो सारी उम्र में प्यार ना मिल सका वो दो दिन में मिल गया माँ जी। अब मुझे मत रोकिएगा, जाने दीजिएगा मुझे। क्यों? एक दिन तो जाना ही है, जितने दिन रहूंगा प्यार उतना ही बढ़ेगा। जिस दिन जाऊंगा जन्म भर का दुख लेके जाऊंगा, और फिर आप जैसी माँ इस दुनिया में कहाँ मिलेगी। तूने अभी मुझे माँ कहा ना, मैं तुझे कभी नहीं जाने दूंगी, कहीं नहीं जाने दूंगी। तू हमेशा मेरे पास रहेगा बेटे, हमेशा रहेगा। गुड मॉर्निंग डॉक्टर। आप? मैं आपको अपने घर ले जाने आया। लेकिन मैंने तो आपको उस दिन कहा था। उस दिन की बात और थी, आज मैं आपको से डॉक्टर लेना चाहता हूँ। मेरे एक दोस्त की आंखें चली गई हैं। तो उसे हॉस्पिटल ले आना था। वो यहाँ नहीं आना चाहता, बिल्कुल मायूस हो चुका है। मेरी आपसे पर्सनल रिक्वेस्ट है, अगर आप चलकर उसकी आंखें देख लें तो। लेकिन यहाँ तो मैं। प्लीज डॉक्टर, मैं जीप लेकर आया हूँ। अच्छी वो रहा हमारा घर। कर्नल साहब टारगेट की प्रैक्टिस कर रहे हैं। कर्नल साहब? मेरे डैडी। ओ हेलो कैप्टन। हाय कर्नल। इट्स गुड। बी डॉक्टर ज्योति। आओ बेटी आओ, तुम पहली बार हमारे घर आई हो। समझ में नहीं आ रहा तुम्हारा स्वागत कैसे करूं। मैं कोई राजा महाराजा होता तो 21 तोपों की सलामी देता, मगर तोपे तो है नहीं और मैं एक रिटायर्ड कर्नल। नहीं, कुछ तो होना ही चाहिए। Yes, why not? गोलियां खत्म हो गई। सॉरी बेटी। ओह, कैप्टन की माँ, डबल मार्च। ठीक हो तो सही, कौन आया है? No. ये है डॉक्टर ज्योति, जिसने हमारे पप्पू की आंखों को ज्योति दी। सुना मैंने क्या कहा? आह, तुम कैसे सुनोगी? तीस साल हो गए बेटी इन्हें मेरे बीवी बने हुए, लेकिन आज तक जब भी मैं निशानेबाजी की प्रैक्टिस करता हूँ ये कान में रुई डाल लेती है। बेटी, मेरी जगह कोई दूसरी होती ना अब तक पागल हो जाती। जब देखो धड़ाम धड़ाम धड़ाम, घर के खिड़की दरवाजे तक हिलते। देखिए आज शाम तक आप एक भी गोली नहीं चलाएंगे। यस सर, आम सरेंडर। जब मैं कर्नल था लड़ाई पर जाता था दूसरों को हुक्म दिया करता था, लेकिन घर में माय वाइफ इज माय कमांडर इन चीफ। बेटी तुम मेरे साथ चलो, वरना कर्नल साहब शाम तक बोलते रहेंगे और तुम यहीं खड़ी रह जाओगी। जी मुझे हॉस्पिटल वापस जाना है, मैं तो सिर्फ मरीज को देखने आ रही हूँ। अरे वो तो अभी थोड़ी देर पहले मालिक के साथ घूमने गया, मैं अभी बुला कर लाता हूँ। आओ बेटी आओ, लेकिन ज्योति आज पहली बार हमारे घर आई है, ये एक स्पेशल ओकेजन है। जल्दी चाय लाओ, क्विक मार्च। अभी लाती हूँ, लेकिन पहले आप वादा कीजिए अपने बहादुरी की किस्से सुनाकर ज्योति बेटी को बोर नहीं करेगी। तुम कभी कदर नहीं करोगी मेरी। बेटी मैं जब बर्मा वॉर में गया था तो बस बस बस, अब गोलियां चलने वाली हैं, बम गिरने वाले हैं, तुम मेरे साथ आओ। लाइए चाय मैं बना दूं। नहीं नहीं बेटी, कहां तुम इतनी बड़ी डॉक्टर और कहां ये रसोई घर का काम। अपने घर में तो मैं ही खाना बनाती हूँ, और तुम्हारी माँ बस खाना बनाना सिखाकर चली गई। बेटी माँ की कमी कोई पूरी नहीं कर सकता बेटी, लेकिन मैं कोशिश करूंगी तुम्हें हमेशा माँ का प्यार दे सकूं। अरे भाई क्या हुआ चाय? लो ज्योति को भी तुम रसोई घर में ले आए और चाय भी उसी से बनवा रही हो। यही तो खूबी है हम हिंदुस्तानी औरतों में, डॉक्टर इंजीनियर जो चाहे बने मगर अपने घर की जिम्मेदारियां नहीं भूलती, है ना बेटी? बेटी ये तुम्हारी बेटी नहीं है, ये बहुत बड़ी डॉक्टर है। होगी, मेरे लिए तो बेटी से ज्यादा प्यारी है।
बेटी तो एक दिन पराए घर चली जाती है, लेकिन बहू अपनी होती है। ये तो है, ढूंढने तो शायद ना मिलती, अपने आप घर बैठे मिल गई, ये हमारी खुशकिस्मती है। अरे भाग गई। शर्मा करती है ना। टैक्सी। ज्योति। गुड, ब्लड प्रेशर तो अब नॉर्मल है। देखो राम प्रसाद, अब झूठा दिलासा मत दो। कल के अटैक के बाद मैं खुद जानता हूँ मेरी हालत क्या है। अच्छा हुआ तुम आ गए, अब ज्योति की सारी जिम्मेदारी तुम पर है। तुम किसी तरह की चिंता मत करो, तुम अपना मन शांत रखो और बिल्कुल आराम करो। मेरी चिंता तो तभी दूर होगी जब ज्योति की सगाई और जल्द से जल्द उसकी शादी हो जाए। मैंने लड़के को तो नहीं देखा, लेकिन कमल और उसका पति उसकी बड़ी तारीफ कर रहे थे और ज्योति कल उसके घर गई थी। इसलिए मैं चाहता हूँ तुम लड़के के माँ बाप से मिलके रिश्ते की बात कर डालो। लाला, बात क्या करनी है, रिश्ता पक्का ही कर डालते हैं। अच्छा, मेरी एक ही अभिलाषा है कि जल्दी से जल्दी तेरे हाथ पीले हो जाएं। अब आप उठ सकते हैं। जीते रहो, सुखी रहो। लकी मैन। हेलो कैप्टन, कंग्रेचुलेशंस एंड बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू सर। बेस्ट ऑफ लक यू नो। थैंक यू। गुड लक। एक्सक्यूज मी प्रकाश, ये लो। क्या है? सिप करो और मुझे मुबारकबाद दो। मुबारक। और तो कुछ दे भी नहीं सकता मैं, लेकिन मुबारकबाद सिर्फ जबानी नहीं, मैं अपने दिल की गहराइयों से देना चाहता हूँ। मतलब? आज बहुत दिनों के बाद एक गीत गाना चाहता हूँ तुम्हारी सगाई की खुशी के मौके पर। सच? एक मिनट। बैड एक्सक्यूज मी अंदर जनरल। ऑलराइट। Well, come on then, let's give him a big hand! दीवाना लेके आया है दिल का तराना, दीवाना लेके आया है दिल का तराना। देखो कहीं यारो ठुकरा न देना मेरा नजराना, दीवाना लेके आया है दिल का तराना, दीवाना लेके आया है दिल का तराना। जीवन में आना
दीवाना लेके आया है दिल का तराना, दीवाना लेके आया है दिल का तराना। दीवाना लेके आया है दिल का तराना, दीवाना लेके आया है दिल का तराना। देखो कहीं आ तो ठुकरा न देना मेरा नजराना, दीवाना लेके आया है दिल का तराना, दीवाना लेके आया है दिल का तराना। Wonderful, my boy. Gentlemen, let's celebrate. कमल? कमल घर में नहीं है। प्रकाश जिंदा है, प्रकाश जिंदा है, लेकिन वो अंधा हो चुका है। हे भगवान, अंधा हो चुका है और मेरी सगाई कितनी विलोद से हुई। नहीं, मैं विनोद बोल रहा हूँ। क्या वो तुम पार्टी में नहीं आई? अच्छा अच्छा, मैं समझ सकता हूँ, कोई इमरजेंसी केस आ गया होगा। अच्छा सुनो, मैंने फोन इसलिए किया कि कल सुबह 10 बजे मैं अपने दोस्त को तुम्हारे हॉस्पिटल में भेज रहा हूँ। मुझे कुछ जरूरी काम आ गया, नहीं तो मैं भी आता। मैं बाद में मिल लूंगा। ओके, गुड नाइट। लाइन आपके हाथ की, सच कह रहा हूं। वैसे आप जिंदगी में कभी कुछ नहीं खोएंगे, अगर गलती से खो भी बैठे तो बहुत जल्दी वापस मिल जाएगा। यस, मैं अभी आई।
कौन? भूलने की कोशिश जरूर की थी मगर भूल ना सका। हर पल तुम याद आती रही और मैं हर पल यही सोचता रहा कि ज्योति का प्रकाश बेबस और लाचार होने से पहले हमेशा के लिए पूछ क्यों नहीं गया। पर ये कभी नहीं सोचा था जब तक प्रकाश नहीं रहेगा तो ज्योति कैसे रहेगी। ज्योति, मगर इतना परेशान होने की क्या बात है? सगाई के वक्त तुम्हें थोड़े ही मालूम था कि प्रकाश जिंदा है और अब जब प्रकाश वापस आ गया है तो सगाई का कोई मतलब नहीं रहा। मैं विनोद से क्या कहूँ? तुम इसकी फिक्र मत करो, विनोद को मैं समझा दूंगी और वो मान जाएगा। पहले तुम प्रकाश का इलाज करो, उसकी आंखें ठीक करो। ठीक हो सकती है ना? बहुत नाजुक ऑपरेशन है लेकिन मुझे यकीन है कि वो फिर से देख सकेगा। ज्योति से मिलना चाहता हूँ। वो ऑपरेशन थिएटर में है। कब तक फ्री होंगी? ये मालूम नहीं। अच्छा, मैं यहाँ वेट कर रहा हूँ, जब भी फ्री हो हमको खबर कर दीजिए। जी हाँ। सुना है हिंदुस्तानी में कहते हैं सब्र का फल मीठा होता है और अंग्रेजी में कहते हैं ट्राई एंड ट्राई अगेन यू विल सक्सीड एट लास्ट। आप किससे बातें कर रहे हैं? मैं तो आप ही से कह रहा हूं कैप्टन साहब। मुझसे? जी हाँ, इस वक्त तो लाइन मारने वाले हम दोनों ही हैं। क्या बकते हैं? अब आप ही सोचिए, ये आंखों का अस्पताल है, ना मैं अंधा हूं ना आप काने हैं, फिर भी हम दोनों यहां मौजूद हैं। इसका मतलब है हम दोनों को एक ही बीमारी है, लबीरिया। मतलब? मतलब जो भी आप समझ ले पापा जी, प्रेम, इश्क, लव, कैंसर भी इस बीमारी के सामने कुछ नहीं है। हम दोनों अंधेरे में भटक गए हैं कैप्टन साहब, हमें चाहिए लाइट, रोशनी, ज्योति। यू शट अप। आई से यू शट अप। यू आर नंबर थर्ड, आई एम नंबर फर्स्ट। व्हाट? यस, मिस ज्योति का पहला प्रेमी मैं, मेरे बाद क्यों में आए मिस्टर प्रकाश, उनकी भी छुट्टी। प्रकाश? यस, गॉन विद द विंड। नंबर थर्ड आप ठहरे मिलिट्री में, कोई ना कोई तो गोली मार ही देगा, उसके बाद अपनी ही बारी है पापा जी। यू इडियट। अब काफी सैर कर चुके और काफी आराम भी कर चुका हूँ। ज्योति, इतने दिन हो गए, पट्टियां भी खुल गई, लेकिन अब भी तुमने काला चश्मा लगाकर मुझे अपाइज बना रखा। जी चाहता है। ये क्या कर रहे हो? पागल हो गए हो? ये चश्मा किस लिए लगाया गया है? इसे मुझे कुछ दिखाई नहीं देता। इसीलिए तो लगाया है, तुम्हारी आंखों को रोशनी से बचाने के लिए। अभी कम से कम एक हफ्ते तक बहुत संभालने की जरूरत है, अचानक तेज रोशनी को देखना तुम्हारे लिए खतरनाक साबित हो सकता है, तुम्हारे दिमाग पर असर हो सकता है, यहाँ तक कि तुम्हारी जान खतरे में पड़ सकती है। जान का कोई खतरा नहीं, तुम्हें तो बता ही चुका हूँ, मौत के मुंह से निकल कर तुमसे मिला हूँ,
अब मैं जीना चाहता हूं सिर्फ तुम्हारे लिए, अपने प्यार के लिए, लेकिन अंधा और अपाहिज बनकर नहीं। मैं बहुत जल्द अच्छा होना चाहता हूं ज्योति, मुझे अच्छा कर दो। उसके लिए तुम्हें मेरा कहना मानना होगा। बिल्कुल मानूंगा। तो आओ चलो, अब तुम आराम करो और मुझे फुर्सत मिलते ही मैं तुम्हें मिलने आऊंगी। प्रॉमिस। प्रॉमिस। अब मैं जीना चाहता हूं सिर्फ तुम्हारे लिए, अपने प्यार के लिए, लेकिन अंधा और अपाहिज बनकर नहीं। मैं बहुत जल्द अच्छा होना चाहता हूं ज्योति, मुझे अच्छा कर दो। प्यार की बाजी हार गए ना तुम? हां मैं, तुम्हारी परछाई नहीं, तुम्हारा असली रूप, जिसने जिंदगी में कभी हार नहीं मानी। अंधा प्रकाश नहीं, तू है प्रकाश। लेकिन वो तो मेरा दोस्त है, अपाहिज है, उसे सहारे की जरूरत है। डैम इट, वो तेरा सहारा छीन रहा है, तेरे हरे भरे जीवन में आग लगा रहा है। तू भी तो ज्योति से प्यार करता है ना? हां, उसके बगैर मैं जिंदा नहीं रह सकता। तो सोचता क्या है, प्यार और जंग में सब कुछ जायज है। लेकिन तुमने मुझे प्रकाश के बारे में अब तक क्यों नहीं बताया? मैं बहुत परेशान हूं डॉक्टर चाचा। परेशान क्यों, तुम्हें तो खुश होना चाहिए बेटी। तुम्हारा प्रकाश तुम्हें फिर से मिल गया, तुमने उसकी आंखें ठीक कर दी। है कहाँ वो? अपने कमरे में। मैं जरा उसे बधाई दे दूँ। डॉक्टर चाचा, प्रकाश को अभी तक ये नहीं मालूम कि मेरी कैप्टन विनोद के साथ सगाई हुई। तुमने बताया नहीं? कई बार सोचा लेकिन कह दी। अब तुम बिल्कुल फिक्र मत करो, मैं अभी जाके प्रकाश को समझा देता हूँ। नहीं डॉक्टर चाचा, पहले आप पिताजी से मिलिए। अच्छा बेटी। यस डॉक्टर, ऑपरेशन थिएटर इज रेडी। मैं अभी आ रही हूँ। लेकिन मैं उन पर बोझ नहीं बनना चाहता। तो फिर मेरे साथ चलो। कहाँ? मेरे घर। आपके घर? हाँ। नहीं नहीं नहीं। अरे भाई, तुम कमजोर हो, जख्मी हो और देख भी नहीं सकते, ऐसी हालत में तुम्हें अकेला नहीं छोड़ सकता। लेकिन मैं तुम्हारे घर। यस यस, व्हाई नॉट, डोंट बी सिली, कम ऑन। मैं आप जैसी माँ इस दुनिया में कहाँ मिलेगी। तूने अभी मुझे माँ कहा ना, मैं तुझे कभी नहीं जाने दूंगी, कहीं नहीं जाने दूंगी। तो हमेशा मेरे पास रहेगा बेटे, हमेशा। कैप्टन विनोद के मुझ पे कितने सारे एहसान है, मैं उसकी खुशी नहीं छीन सकता। नहीं, ज्योति से अचानक मेरी फिर से भेंट हो गई, वरना वरना मैं तो उसकी जिंदगी से हमेशा के लिए जा चुका था। कैप्टन से उसकी सगाई हो चुकी है, अब मेरा ज्योति पर कोई अधिकार नहीं। लेकिन मैं कैप्टन विनोद और ज्योति के बीच में दीवार नहीं बनना चाहूंगा, कभी नहीं बनूंगा, कभी नहीं। मुझे यहां से चले जाना चाहिए अभी इसी वक्त, चुपचाप, किसी को बगैर बताए, ज्योति से मिले बिना चले जाना चाहिए। जाओ प्रकाश। कौन? मैं। अरे विनोद, तुम बहुत बड़ी उम्र हो तुम्हारी, अभी अभी मैं तुम्हारे बारे में ही सोच रहा था। तुम्हारी सगाई के बारे में मुझे अभी अभी मालूम पड़ा। यकीन करो, अगर 2 मिनट देर से आते तो मैं नहीं मिलता। मैंने तुम्हारी और ज्योति की जिंदगी से दूर चले जाने का फैसला कर लिया है, ताकि जाते जाते भी ज्योति की नजरों में और भी ऊंचे हो जाओ। नहीं नहीं विनोद, यकीन करो, बिलीव मी, शट अप। समझ सकता हूँ कैप्टन, तुम्हें कितनी चोट पहुंची है। मुझे चाहे कितनी मर्जी सजा दे दो, लेकिन मैं तुम पर हाथ नहीं उठाऊंगा, क्योंकि तुम्हारी माता जी ने। इसका मतलब है तुम बुजदिल हो, कायर हो। क्यों नहीं, हो गया हूँ। जो तुम्हारी सगाई हो चुकी है। Damn you!
go to hell. ये तुम क्या कर रहे हो विनोद? पागल हो गए हो? Shut up! आज मैं तुम्हें जान से मार डालूंगा। छोड़ दो उसे, मैं कहती हूँ छोड़ दो, छोड़ दो। You bloody bitch, get lost! अब मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। नहीं मारा कि तुम मेरे बेटे हो। इसके पागलपन के लिए मैं तुमसे माफी मांगता हूं। तुम दोनों हमेशा सुखी रहना। चलो चुप क्यों हो? कुछ बोलते क्यों नहीं? सोच रहा हूं जो मैं देख रहा हूं वो सच है ये सपना? तुम कानू जी? ज्योति। और अब तुम पूछोगे कि तुम कौन? हाँ तो पूछो। मैं कान हूं? कान में बताऊंगी। मेरे जीवन साथी दीवाना।